देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। शहीद दिवस पर वतन फाउंडेशन की शुरुआत सवाई माधोपुर। शहीद दिवस पर रिटायर फौजी हुसैन भाई के साथ वतन फाउंडेशन की शुरुआत सवाई माधोपुर से। गणेश श्रद्धालुओं को मीठा शरबत पिलाकर मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। आपको बताते चलें कि वतन फाउंडेशन पिछले 8-10 सालों से सोच हमारा पैगाम भाईचारे के नाम द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द और देश में आपसी प्यार मोहब्बत के लिए काम करता है। पर्यावरण में कलाम साहब की याद में हर साल 500 पेड़ लगाकर सर्दी में जरूरतमंदों को कपड़े और कोरोना काल में जरूरतमंदों को खाना खिलाने का मिशन भी चलाया। छबड़ा के साथियों ने भी वतन फाउंडेशन में शिरकत की, इसमें निजाम अहमद, शाहरुख खान, इरफान खान आदि मौजूद रहे। छबड़ा विशाल रक्तदान शिविर एवं शहीद भगत सिंह मूर्ति अनावरण समारोह। छबड़ा रक्त कोष फाउंडेशन में समर्पण ब्लड डोनर कड़ियाबंद कोटली की पहल पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शोषित किसान संघर्ष समिति कड़ियाबंद कोटली छबड़ा के तत्वधान में आज 23 मार्च 2022 को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटली में पंचायत कड़ियाबंद तहसील छबड़ा में आयोजित किया गया तथा ग्राम कोटली के शमशान भूमि में शहीद भगत सिंह मूर्ति का अनावरण किया गया। कड़ियाबंद सरपंच भगवान स्वरूप नागर धर्माधाकर ने बताया कि शहीद दिवस पर भगत सिंह के बलिदान को याद कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया तथा लोगों को हर समय देश हित के लिए तन मन धन से देश सेवा में तत्पर रहने और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। बारा शाहबाद जागृत महिला संगठन ने वृद्ध महिला व बेटी को उपलब्ध करवाया सूखा राशन किट। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। लायंस क्लब कोटा टेक्नो प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा, उनके साथी अनिल गुप्ता ने 200 मास्क वितरित किए। बजट डोनेट में किया सहयोग। देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ।